अस्सलाम वालेकुम सास बहू की जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आइए आज से हम लोग हमारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबका सपोर्ट की जरूरत है। पैसा ही पैसा होगा, मस्त प्लान है और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। फन ओके, एंजॉय करना हमारे और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ भी इंशाल्लाह। हाँ। प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। चलिए अब हम आपको हमारी फर्स्ट रेसिपी बताते हैं। के साथ आपका स्वागत करते हैं, आइए चलिए हमारे साथ। मम्मी फर्स्ट रेसिपी का नाम क्या है? भिंडी गोश, जो आपके हस्बैंड को बहुत पसंद है। ओ अच्छा, चलिए हम एंजॉय करते हैं। बताती हूँ अभी आपको भिंडी गोश के लिए क्या क्या लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले गोश, ये आधा किलो गोश को मैंने गला ली हूँ नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल के गला ली। तेल लगेगा, प्याज दो प्याज है मीडियम साइज प्याज, इतनी थोड़ी ऐसी इतनी मुट्ठी इमली, इसको हम भिगा के रख देंगे अभी। और हरा मसाला, हरे मसाले में मिर्ची, कोतमीर और अपना लहसुन, ये है ये दो चम्मच, एक चम्मच है। और अदरक लहसुन दो चम्मच भर के बड़े बड़े, बताती हूँ मैं आपको कौन सा चम्मच है। ये चम्मच से हमने दो चम्मच अदरक लहसुन लिया और एक चम्मच हरा मसाला, लाल मिर्ची की बुकी, लाल मिर्ची रेशम पट्टी हुई है और एक चम्मच हल्दी और ये अपने के लिए धनिया और भिंडी। ओके अभी हम प्याज लाल करने के लिए रख देंगे। दो चम्मच भर के बड़े तेल डालना, प्याज गुलाबी होने तक लाल करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। भिंडी कैसी कट करने का वो बताती हूँ, फिर आप मुझे करके दे देना। ये कर लिए, अभी इसके बीच में से चीरा मारेंगे उसका, क्योंकि भिंडी में कीड़ा भी होता है, ऐसा हम देख लेंगे बस ऐसा। हाँ, ज्यादा बड़ी होगी तो दो करेंगे, छोटी रहेंगी तो एक ही करना है। ओके लो, प्याज ऐसी गुलाबी हो गई हमारी, देखिए बहुत ज्यादा लाल नहीं करनी है, ऐसी करेंगे। अभी ये गलीला गोश्त है ना, ये डाल देंगे, हमने गोश्त में नमक डाला है इसलिए आपको नमक नहीं बताए, स्वाद अनुसार नमक, इतनी गोश्त ही डालेंगे और अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। लहसुन और हरा मसाला डाल दिए, थोड़ी देर वो हो गया भुने गए, अभी इसमें दूसरे मसाले भी हम डालेंगे। इसमें ना आपको गरम मसाले की जरूरत है और ना ही टमाटर की, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, इसलिए हम बिना टमाटर की रेसिपी बता रहे हैं। फर्स्ट धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अभी इसको अच्छे से भुनेंगे।
और ये हमने जो इमली भिगा के रखी है ये बाद में डालेंगे जब मसाला वसाला भूनने के बाद। और नीला जब तक आप ये भून लो थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको थोड़ा सा जब तक हमारा मसाला भुने जाएंगे जरा सा तेल डालना। देखिए कलर देखिए आप इसको अच्छे से भुनेंगे बस थोड़ा ही डालना है और अभी से भुनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसमें भिंडी डाल देंगे। शनिला इसमें डाल दो बेटा भिंडी। भिंडी डाल के भी थोड़ी देर भुनेंगे। ओके शनिला देख रही ना बेटा वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देखो। अब इसमें थोड़ा सा ये स्टॉक जो है ये रखा हुआ है इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम और थोड़ा सा इसको भी भूनने देंगे। अब इसको ढककर हम थोड़ी देर हमारा भूने गए के मसाला भिंडी के साथ देखो अच्छे से हो गया है। अभी हमारा देख सकते हैं आप। अभी इसमें हम डालेंगे इमली का खट्टा जो इमली भिगा के रखे थे उसका पानी निकाल के हमने ऐसा अलग छान लिए है और अब ये डाल ज्यादा खट्टे के लिए आप ज्यादा भी इमली ले सकते हैं। और ये जो स्टॉक है ये भी हम डाल देंगे। अब इसमें जोश आने देंगे थोड़ा सा औटेगा फिर हमारा सालन बनके रेडी है। ओके अभी हम इसको थोड़ा ढक के रख दें। देखिए माशाल्लाह देखिए हमारा सालन बन के रेडी है। कैसा लग रहा है आपको सालन का कलर? अब इसमें हम डालेंगे धनिया। देखिए और अभी इसको हम डिश आउट करके बताते हैं। ओके और देखिए हमारी रेसिपी रेडी है तैयार है और आप बनाइए खाइए और फिर हमको कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। और हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आगे आगे हमारी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएगी वो भी देखिए। और हम दोनों की नॉक झोंक तो नहीं मगर अच्छी मीठी मीठी जिंदगी हम आपसे शेयर करेंगे। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।